हेलो दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। कैसे? स्विफ्ट से। रसिया अब स्विफ्ट यूज़ नहीं कर सकता है। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है स्विफ्ट और इंडिया का यूपीआई कैसे स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकता है और बन सकता है गेम चेंजर पूरे विश्व के लिए। सबसे पहले ये स्विफ्ट होता क्या है? तो स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब अब अगर इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी बाहर की कंट्री में तो हम स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें इंडिया में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है, सेम उसी प्रकार हमें अपने देश से या फिर किसी भी देश में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। ये कोई बैंक नहीं है, बस एक इंटरमीडिएट है जो कि बैंक टू बैंक कम्युनिकेट करता है और आपके पैसे को सेफली और सिक्योरली उस बैंक तक पहुंचाता है जहां आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये है तो वैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। मतलब आप सोच सकते हैं कि यूएस ये तक डिसाइड कर सकता है कि किस देश का पैसा किस देश में पहुंचाना है और किसका नहीं। तो ये यूएस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो अगर यूएस चाहे तो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है उस पर स्विफ्ट बैन लगाकर। और ये स्विफ्ट बैन ही है जो लगा था ईरान पर और अब लगा रहा है रसिया पर। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट। तो अब यूएस जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से जिसको सफर करना पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमको, उस देश के नागरिकों को और बिजनेसमैनों को। तो देयर इज अ नीड टू बी चेंज। तो अब यहाँ आइडिया आता है यूपीआई का। अब देखो, आप लोग बोलोगे क्यों भाई, जरूरत क्या है हमें यूपीआई को देश में, मतलब विश्व में पहुंचाने की क्या जरूरत है? हमारे अच्छे रिलेशन है यूएस से, तो हमको दिक्कत क्या है? तो मेरे दोस्त, एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मार्केट में किसी भी चीज़ की मोनोपोली हो जाती है ना, तो वहाँ डेवलपमेंट और प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो उसी चीज़ के लिए एक कॉम्पिटिटर का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। तो यूपीआई वहाँ पर एक गेम चेंजर हो सकता है। तो यूपीआई कोविड से ज़्यादा जो भारत में फैला है वो यूपीआई है। मतलब हम एक सब्जी बेचने वाले रेडी तक, एक 5-स्टार होटल तक पेमेंट कर सकते हैं थ्रू यूपीआई और एक सिंगल क्लिक से, और उसके लिए आपको कोई भी चार्ज भी नहीं देना पड़ता। यूपीआई सिर्फ स्मार्टफोन में ही नहीं, जो हमारे दादाजी वाला फ़ोन होता है मतलब कीपैड वाला फ़ोन, अब हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब हम यूपीआई को बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं एक भी पैसा दिए हुए। इंडिया ने अमेरिका और चाइना दोनों को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से। ये पॉसिबल हो पाया है यूपीआई की वजह से। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो मोदी जी का एक स्टेप था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, वो आज लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा रहा है बिना किसी दिक्कत के। आज यूपीआई बाहर के देशों में भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे नेपाल और अब सिंगापुर, और अब कुछ दिनों में यूपीआई यूएई, भूटान, मलेशिया, थाईलैंड, जापान जैसे देशों में पहुंच रहा है। मतलब इतने दिनों बाद एक इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने जा रही है। तो इस तरह से यूपीआई पूरे विश्व में फैल सकता है और एक स्विफ्ट की मोनोपोली को ख़त्म कर सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना, दुआ मिलेगी।